सुमित राज झुंझुनवाला जी हैं, स्वागत है आपका। सुमित जी आपने भी टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज कर रखा है सर। सर आप लाइन पे हैं तो प्लीज बात कर लीजिए। चलिए हम भी वेट कर लेते हैं, आप कब हमारी आवाज सुनेंगे और कब आप जवाब देंगे। हेलो झुंझुनवाला जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैम आपका नाम क्या है? मैम सवाल कर लीजिए। देखिए टीवी का वॉल्यूम कितना तेज कर रखा है आपने, हम तक आवाज आ रही है। मैम कम कर रही हूँ। प्लीज मैम कम कीजिए और सवाल करिए। हाँ कम करिए। बोलिए सवाल करिए। हाँ मैं ना 6 महीने काला गोंद ले रही हूँ। ठीक है लिया मैंने। ठीक तो है मेरे पाँव में साइटिका का था पेन, तो उसमें काफी आराम है लेकिन फिर भी टांग में आ जाता है बीच बीच में और नीचे के पाँव हथेलियों में बहुत रहता है मेरे पेन, और वो मतलब काफी तकलीफ दे रहा है। तो मैं 1 महीने से फिर से ले रही हूँ। दो समय पहले मैंने 6 महीने लिया और फिर बंद कर दिया। कितना लेते हैं आप? मैं आधा ग्राम एक चुटकी दो समय ले रही थी। ठीक है 6 महीने भी मैंने दो समय लिया, फिर बीच में 1 महीने मैंने एक समय लिया फिर छोड़ दिया, फिर अभी मैंने 1 महीने से फिर शुरू किया है 2-3 महीने का गैप देके और दो समय ले रही हूँ। ठीक तो साथ कितने दिन लूँ मैं? मेरे पाँव में टांग रहता है नीचे के पाँव अच्छी में है ना, मेरे ऐसे अकड़न रहती है। ठीक है मैम तो गोंद किया मैं शुरू लेती रहूँ क्या? और थोड़ा शरीर में फिर मेरे को लगता है खुजली जैसा भी हो जाता है बीच बीच में। ठीक है ठीक है। अच्छा झुंझुन झुंझुनवाला जी ये आधा ग्राम जो है गौंसिया, एक चुटकी नहीं दो चुटकी को कहते हैं, तो आप दो चुटकी लेने लगी एक वक्त में। आधा ग्राम तकरीबन इतना होता है जितना बड़ा काबली चना होता है ना, बड़ा चना जो होता है बड़ा वाला चना काबली चना कहते हैं, इतना होता है। तो आप कम खुराक ले रहे हैं इसलिए थोड़ा कम फायदा है, तो दो दो चुटकी लेने लगी एक तो ये। और याद रखें कि अगर आपको आप हेल्दी हैं ज़्यादा वेट है तो वेट कम करने के लिए भी कोशिश करें, चाहे दवाओं से करें या डाइट कंट्रोल से करें। और वही सब हिदायत आपको तो मालूम ही होगा कि झाड़ू पोंछा ना करें बिल्कुल, या कोई मेहनत का काम ना करें, और इसे आप दोबारा से ले सकते हैं, आपको दोबारा से फायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब खुजली के लिए? हाँ एक चुटकी खाने का सोडा पानी मिला के इस पानी से आप लिया करें तो आपको इस रोग में भी फायदा मुमकिन।